राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय का पाठ। पिछले एपिसोड में हमने आपको पहला अध्याय सुनाया और आज हम आप दूसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो आइए कथा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया है? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूँगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को नाश्ता कर भीख मांग भोजन करना उत्तम है। अर्थ की कामना के लिए तो गुरु जी को और उनके रक्त से अभिनत भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो जिनको मार हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरे स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, हे मधुसूदन, मेरा भला करो। वह मुझसे समझा कर कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अंत मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए, मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरे मन से यह गला नहीं जाए, जिससे मेरा यह दुख खत्म हो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए और संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी ना रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग जाड़ा, गर्मी, सर्दी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे कर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व भी नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला है तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मारती है और ना ही मरती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ना ही ये कभी जन्मी थी और ना ही कभी ये मरेगी। ये तो अजन्मा है, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य विनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छेड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और ना ये सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर है, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाले मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्यों तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यव्रत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह वह सुनकर भी भले प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य विनाशी है, अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा कुछ भला करने वाला नहीं हो सकता। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वयं प्राप्त हुआ है। ऐसा स्वअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे,
तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होवोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयक्ष का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, तब जो लोग तुम्हारे परक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी हो गए और जीतने पर पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पर जय इन सब का समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि का अग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी शक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित क्षेमादि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो वो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझ कर तुम यज्ञस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से ही संसार में स्वीकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तफुई बातों को विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों को वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है, उनके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीत भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वे महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों का सिकोड़ देता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोको, मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से विवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा,
इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों में स्वर्थर रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वही रात्रि होती है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वे अपनी मर्यादा पर ही रहता है, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी तरह जिस पुरुष ने इच्छा ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।